प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका के मैडिसन गार्डन में भारतीय मूल के लोगों से जो वायदा किया था उसे उनकी वतन वापसी से पहले पूरा कर दिया गया है। गृह मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी करके कहा है कि अब पीआईओ कार्ड धारक को आजीवन वीजा मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा था कि पीआईओ यानी कि पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन को अब पुलिस स्टेशन में जाकर हाजिरी नहीं लगानी पड़ेगी। इससे पहले पीआईओ कार्ड धारकों को 15 साल का वीजा मिलता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, आजीवन वीजा मिलेगा। और इस तरह से अब लोगों के लिए एक बहुत बड़ी राहत थी। आपको बता दें कि अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब हिन्दुस्तान में कदम भी नहीं रखा है कि उसके ठीक पहले केंद्र सरकार की ओर से बाकायदा नोटिफिकेशन इस पूरे मामले में जारी कर दिया गया है। पीएम मोदी के आने से पहले ही वायदे पर अमल करके ये दिखाने की कोशिश की गई है कि देखिए सरकार अपनी बातों को लेकर कितनी गंभीर है, और जितने भी वायदे नरेंद्र मोदी ने सात समंदर पार यानी कि अमेरिका में किए हैं उन सब वायदों को निभाने के लिए मोदी सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। गृह मंत्रालय ने जो नोटिफिकेशन जारी किया है कम से कम ये बात इसको और ज्यादा पुख्ता करती है। पीआईओ कार्ड धारकों को आजीवन अब वीजा मिला करेगा। पहले ये व्यवस्था सिर्फ 15 साल की थी और नरेंद्र मोदी के भारत लौटने के पहले ही इस पर अमल करके दिखा दिया है सरकार ने। जाहिर तौर पर इससे कम से कम वो लोग जो बार बार सिर्फ 15 साल के वीजा मिलने की वजह से परेशान थे और उन्हें चक्कर लगाने पड़ते थे इसके लिए, उनके लिए एक बहुत बड़ी राहत है। आपको सुनाते हैं न्यूयॉर्क के मैडिसन स्क्वायर में पीएम नरेंद्र मोदी ने इसे लेकर कहा क्या था। मेरे साथियों, मैं आपको खुशखबरी देता हूं कि कुछ ही महीनों में हम पीआईओ तथा ओसीआई स्कीम्स को मिलाकर के एक बना देंगे। अमेरिका में हमारे दूतावास और कॉन्सुलेट भारत में पर्यटन की इच्छा से आने वाले यूएस नेशनल्स के लिए लॉन्ग टर्म वीजा प्रदान करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बातें मैडिसन स्क्वायर में कही थी जब उनको सुनने के लिए 20,000 लोगों की वहां पर मौजूदगी थी। और हमने ये भी देखा पीआईओ कार्ड धारकों को जैसे ही उन्होंने राहत देने की बात कही थी उसके बाद वहां पर अब तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा का पूरा मैडिसन स्क्वायर गूंज उठा था। और अब उसकी धमक देखी गई है। पहले ही नरेंद्र मोदी अभी पहुंचे भी नहीं है हिन्दुस्तान, उन्होंने कदम भी नहीं रखे, लेकिन उसके ठीक पहले केंद्र सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है यानी कि इस पर अमल की तैयारी अब बिल्कुल शुरू हो चुकी है।